डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, उसके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब बात करते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे ही आगे चलकर सारी थ्योरीज वगैरह देखेंगे हम, जब हम टैरिफ्स पढ़ेंगे, कोटास पढ़ेंगे या जो बाकी जो थ्योरीज पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की, कैसे इवॉल्व हुए। इसके लिए सबसे पहले हमको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझना जरूरी है। सभी इकोनॉमिक्स जो हैं इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। काफी टाइम से ये डिबेट चल रही है, यानी कि जब से ये इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड पॉपुलर वोकैबुलरी में आया तब से ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है, इसके फायदे हैं कि इसका नुकसान है। अब हम पहले पीछे जाते हैं, तो ये सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो काफी लोग स्केप्टिकल थे इसके बारे में, और उसके बाद बीच में ऐसा दौर आया जब इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन फिर से आज के टाइम में दोबारा से डिबेट खड़ी हो गई है, स्पेशली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कोरोना वायरस का भी आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद हमें पता चला है कि इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर रहने का क्या घातक परिणाम हो सकता है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडिया में भी जो चाइनीज ऐप अभी रिसेंटली बैन हो गए हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप जब आगे से तैयारी करें तो हमेशा से ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड वॉर हो रहा है, कौन से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या सब इसके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये सब समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेजेस कैसे हैं। अब एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की परिभाषा को समझने के लिए, उसकी बात को समझने के लिए एक बेसिक चीज होती है किसी भी बात को देखने के लिए कि एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है। उसमें हम ये तोलते वक्त ये देखते हैं कि इसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं सर्वाइव कर सकते। अब उसका मूलभूत बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो इसके जो विपक्ष में है वो ये मानते हैं कि इसके बिना सर्वाइव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जितना कम हो उतना कम किया जाए। और जो इसके पक्ष में है वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, वो पूरी तरह से बॉर्डरलेस ट्रेड की बात करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अब आगे हम इसको समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर आप जो आज का करंट सिनारियो है उसके अंदर खुद घर पे बैठ के सोचिएगा, इस पे नोट्स बनाइएगा, इस पे अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी और आप जो करंट सिनारियो है उससे भी टच में रहें। अब पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होते, किसी कंट्री के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, किसी कंट्री के पास कम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सभी के पास सभी वस्तुएं नहीं मिलती, कहीं पे कुछ चीज़ों का आधिक्य होता है, कहीं पे कुछ चीज़ों का आधिक्य होता है, इसलिए सभी कंट्रीज एक दूसरे पर निर्भर रहती है वस्तुओं के लिए। हम कुछ चीज़ें मंगाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे भी मंगाई जाती हैं, हम भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जब बात आती है तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कई बार आप देखते हैं कुछ देशों के पास कुछ चीज़ों की अबंडेंस होती है लेकिन फिर भी वो उसका एक्सपोर्ट कम करते हैं, कुछ देशों के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेकिन फिर भी आगे वो इम्पोर्ट करते हैं। इसके पीछे कई बार ये भी कारण होते हैं कि वो अपनी चीज़ें रिजर्व करके रखना चाहते हैं, कई बार वो उसका प्रॉपरली दोहन नहीं कर पाते, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो ये फैक्टर होता है। इसलिए कई बार ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अगर उस देश में इतना सब कुछ है, कई बार ये चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली है कि कई बार हम ऐसी फाइंडिंग्स आती है कुछ देशों के पास कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा थी फिर भी उन्होंने उसको इम्पोर्ट किया, तो क्यों इम्पोर्ट किया, उसके पीछे क्या रीज़न रहे। उसमें कई बार ये भी रीज़न रहता है कि वो टेक्निकल लोहा नहीं होता उसका प्रोवाइड करने का, नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से वो यूज़ नहीं कर पाते, कई बार वो अपनी रिसोर्सेज रिजर्व करके रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मैनेजमेंट में आप पढ़ चुके हैं पहले भी। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना ज़्यादा अगर आप एक ही काम को अलग अलग लोगों में बांट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाती है डिवीजन से। अगर हर देश सारे वस्तुएं सभी सर्विस खुद ही बनाना चाहेगा तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, हम किसी चीज़ में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, किसी चीज़ में हम थोड़े पीछे होते हैं, उसको हम कर तो लेंगे लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का एक और बड़ा रीज़न ये रहता है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होती नहीं है,
और कुछ रिसोर्सेज का अवेयरनेस होता है, इसलिए हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम हर चीज को खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। इस कॉस्ट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीजें खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। मान लीजिए एक चीज है, आप कोई वस्तु है, भारत में बना तो सकते हैं, पर उस वस्तु को हम उतने बेहतर तरीके से नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। अब दूसरी चीज है टेक्निकल नो हाउ। अब हम ये बात तो हम जानते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका टेक्निकल नॉलेज ज्यादा बढ़िया नहीं है, उन टेक्नोलॉजी जो है उनकी बैकवर्ड होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से वो टेक्नोलॉजी एक्सेस कर पाते हैं जो टेक्नोलॉजी जनरली उनके पास अवेलेबल नहीं होती। तो बेस्ट मैनेजरल प्रैक्टिसेस आपको चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, तो इंटरनेशनल ट्रेड वो सब आपके लिए लेके आता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ सॉफ्टवेयर और ये सब पैकेजेस जो होते हैं वो बंडल होके आते हैं। कई देश ये भी आपके इंस्ट्रक्शन इम्पोज कर सकते हैं या कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर आपको ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो इतने इतने अमाउंट का ट्रेड करना पड़ेगा, इस तरीके से ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पा सकते हैं, बेस्ट जो प्रैक्टिसेज है, मैनेजरल प्रैक्टिसेज है, ट्रेड प्रैक्टिसेज है, वो आपके सिस्टम में आती हैं। आपकी कंपनीज जब उन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ट्रेड करती हैं, तो आप बहुत बढ़िया नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, लेटेस्ट नॉलेज के लिए और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स आए या बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास आए, ये इंटरनेशनल ट्रेड से ही पॉसिबल हो पाता है। एक चीज ये भी रहती है, कभी आपने न्यूज में देखा होगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, कि कुछ ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो काफी न्यूज में आ जाते हैं। आप उनको नोटिस करते हैं तो आप सोचते हैं ये बहुत छोटी कंट्रीज थी और ये जो ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये काफी नेग्लिजिबल था, फिर इसको इतना हाईलाइट क्यों किया गया। तो ट्रेड जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, वो सिर्फ जो है ट्रेड करने के लिए भी नहीं होता, उससे हेल्प से आपके जो कल्चरल रिलेशनशिप हैं, आपके जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं, वो काफी मजबूत होते हैं। ट्रेड हेल्प करता है पॉलिटिकली आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने में, इससे संबंध सुधरते हैं। तो कई बार हम जो है ट्रेड करते हैं या किसी कुछ देशों से चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, उन वो देश हमसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को अपने देश में आने दीजिए, तो हम वो देश चीजें इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? ताकि उन देशों से हमारे संबंध सुधरे। हालांकि वो जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ज्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होता है कई बार। तो कई बार ट्रेड जो होता है वो संबंध सुधारने का भी एक रास्ता बन जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उनमें से जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि हमको कई नई प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल पाती है, दुनिया भर से हम बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्ट कर पाते हैं और हम उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जिस चीज में हम सबसे बढ़िया हैं, या हमको कॉस्ट एडवांटेज है। चीजें तो हम शायद बहुत सारी बना रहे हैं, लेकिन कई चीजों में हम सबसे अच्छे हैं, कई चीजों में हम जो है प्रोडक्ट्स जो बना तो लेंगे पर हमारी उसमें एफिशिएंसी नहीं होगी। तो उस एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे कि हम इंटरनेशनल, इसीलिए जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, फोकस किस पे करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड पे करना चाहिए और बाकी चीजें जो बाकी प्रोडक्ट जो हमको इफेक्टिव नहीं है वो सब पे हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए। लेकिन काफी जो उसके जो अपोनेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि हम हर चीज देश में बना सकते हैं और जहां तक पॉसिबल हो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो वहीं पे इस जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की, वो वहां पे सामने आई थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज है, चाहे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है या फैक्टर एंडोमेंट है, वो सब इन्हीं एडवांटेजेस और इन्हीं पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो आज इनको फोकस करेंगे तो आगे वो थ्योरी समझने में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब एक और चीज होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे भारत में, उससे पहले हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हम नहीं थे हमारे पास, और अगर प्रोडक्ट्स भी थे तो भी क्या है काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। कॉमन पर्सन की रीच से काफी सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो नहीं थे, जैसे मोबाइल फोन वगैरह देखें तो आज जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से काफी सारे प्रोडक्ट्स हम ले पा रहे हैं, चीप हो गए हैं वो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जब बन जाती है तो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस भी गिर जाती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर कम्पीट करती है, बहुत सारी कंपनीज भारत में आती हैं, वहाँ से सामान आता है विदेशों से, तो वो काफ़ी सस्ता भी मिलता है। जब सस्ता मिलता है तो एक आम आदमी की वो पहुँच के अंदर आ जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेस्ट प्रोडक्ट्स हम ले पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी हमको मिल रही है, हम बढ़िया से बढ़िया काम कर पा रहे हैं, हमारे लोग भी इस इंडस्ट्री के थ्रू दूसरे देशों में काम कर पा रहे हैं, हमारी खुद की जो कंपनीज हैं विदेशों में जा पाती। तो एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है कि उसको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, वो दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध सुधार पाता है, वो दूसरे देशों
तक उसके प्रोडक्ट्स की भी पहुंच हो जाती है, तो उसको भी एक मार्केट मिलता है। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हमको ध्यान देना है। अब एडवांटेजेस हमने देख लिए, किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस देख सकते हैं, उससे हम बेनिफिट हो सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस पढ़ने का सेंस क्या है, उसका मेन रीज़न होता है ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उन कमियों को दूर कर सकें। इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव तो नहीं कर सकते, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस समझने के बाद हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमको समझना है, वो है कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बड़ी तेज़ी से एक देश से दूसरे देश में फैलती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी देखिए, कोरोना वायरस हो गया, तो चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया में पड़ा, इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, सब चाइना पर निर्भर थे। तो पहले जो प्रोडक्ट्स बना लेते थे खुद भी, वो अब सब चाइना को आउटसोर्स कर दिए, तो पूरी दुनिया पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, रिसेशन बड़ी तेज़ी से फैला। इससे पहले 2008 का हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, जो 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 देश तैयार थे इसके लिए वो तो बच गए, जैसे इंडिया भी बच गया, लेकिन कई देश तो जो पूरी तरह से इससे प्रभावित हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है, जो हम दुनिया पूरी दुनिया में एक दूसरे से डील करते हैं, तो एक देश का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। तो इसके ऑपोनेंट्स ये कहते हैं कि एक की समस्या हमको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, तो हमको क्या है, इसको प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ करना है, संरक्षण देना है, अपने उद्योगों को संरक्षण देना है, हमको सेल्फ रिलायंट बनना है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े रहें, डाइवर्सिफिकेशन हो। इंटरनेशनल ट्रेड का एक एडवांटेज था स्पेशलाइजेशन, हम जो एक वस्तु अच्छे से बना सकते थे वो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते थे, बाकी जो इंडस्ट्रीज का प्रभाव कम हो जाता था या वो आउटसोर्स करना शुरू कर देते थे। अब जब कोई नेगेटिव चीज़ हो जाती है, मान लीजिए वॉर हो जाता है, कोई क्राइसिस हो जाती है, तब अचानक से हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं, अपने प्रोडक्ट्स हैं नहीं बहुत ज़्यादा, हमारा सप्लाई चेन भी स्ट्रांग नहीं है, तो अब हम क्या होते हैं, अचानक से क्रिपल हो जाते हैं, अचानक से क्या है, पूरी तरह से हमारा सिस्टम भी बिगड़ जाता है, हम इतने ज़्यादा दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं स्टेट की वजह से। अब ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है कॉम्पिटिशन, इतना तेज़ी से कॉम्पिटिशन आता है, डंपिंग एक टर्म है, नोट कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में आती है, ये भी होने लग जाती है, देश कुछ देश अपना घटिया सामान भी दूसरे देशों में बड़ी तेज़ी से फेंकने लग जाते हैं, चाइना इसके लिए काफ़ी हद तक कटघरे में आ चुका है। तो ये डंपिंग होती है, इंटरनेशनल जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, इसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती है, कई इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जो मान लीजिए अच्छी भी थी लेकिन अब वो कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रही है। इंडिया में कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे छोटे उद्योग हैं, वो चाइनीज प्रोडक्ट्स की वजह से भी और वैसे भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की वजह से भी कई हद तक ख़त्म होते गए। ये दो एक बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अलावा कई छोटे मोटे और भी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये मेन एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी पढ़े हमने, एडवांटेजेस भी पढ़े, अब इन दोनों को अगर हम तुलना करें तो हमको ये बात देखनी पड़ेगी कि हम डिसएडवांटेजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो क्राइसिस से डर के इंटरनेशनल ट्रेड नहीं छोड़ सकते, इसलिए आगे क्या क्या हम उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, उससे कैसे बचेंगे, ये सब हम आगे समझेंगे।